फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत टाइम बाद जाके कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले वीडियोस में बताया कि मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स पे भी कर रहा हूँ, तो जल्दी आपको उसका भी एक अपडेट मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतने टाइम में मैंने कुछ नया कलेक्शन इंक्लूड कर दिया है, हम उसको भी रिव्यू करेंगे, बहुत जल्दी रिव्यू करेंगे। पर जो ये वाली वीडियो है, ये एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज की वीडियो है, जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा। तो ये है जैन डीजल जीरा की वीडियोस। सो जैन डीजल जीरा ये काफी ज्यादा फेमस है, हाल फिलहाल में इस ब्रांड ने काफी ज्यादा नाम गेन किया है। सो आज एक क्विक कंपैरिजन है, मतलब ये वाला तो आप काफी फेमिलियर हो गए, ये तो नॉर्मल जलजीरा जो मिलता है वही वाला है। और ये कुछ उन्होंने नया लॉन्च करा है जो कि है बंटा जीरा के नाम से। सो ये मुझे सुपरमार्केट में मिला, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद मुझे इससे रिव्यू करना चाहिए, बट इससे कंपेयर करना भी जरूरी है, क्योंकि एक फन फैक्ट है जो इन दोनों में लिखा हुआ, जो कि मैं आपको अभी जल्दी बताऊंगा। सो अगर इसकी बात करें तो ये भी पहले ₹10 का आता था, अब इसका जो प्राइस है वो ₹12 हो गया है, और ये भी इन्होंने सेम प्राइस पे ही लॉन्च करा है। अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है टेस्ट का, वो तो हम जल्दी से ट्राई करेंगे ही, बट कलर में दिखाऊं तो कलर में बहुत डिफरेंस है। ये काफी आप देखेंगे डार्क शेड का है, और ये देखेंगे काफी लाइट शिकंजी जैसा है। जो फन फैक्ट की बात कर रहा था वो ये कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है चटपटा मसालेदार नींबू ड्रिंक, चटपटा मसालेदार नींबू ड्रिंक, और यहाँ पे लिखा है नींबू मसाला सोडा और चटपटा मसालेदार नींबू ड्रिंक। तो देख जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि ये कुछ किस तरीके का टेस्ट करेगा, तो लिखने के हिसाब से तो ये दोनों सेम जैसे टेस्ट करने चाहिए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ज्यादा लेमनी होगा और ये जलजीरा जैसा ही होगा, बट जीरा दोनों में लिखा है तो आई एम नॉट श्योर। इसको रिव्यू करते हैं जल्दी। उससे पहले क्वांटिटी में आपको बता दूं, ये 200 ml है और ये भी 200 ml ही है। सो इसमें क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, इंग्रेडिएंट में नहीं पड़ रहा, ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बहुत छोटा छोटा भी लिखा हुआ है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो जल्दी से ओपन और करते हैं इसका एक क्विक रिव्यू। सबसे पहले मैं वही जो स्टैंडर्ड जलजीरा आता है जयंती का, उसको ओपन करके देखता हूँ। काफी फिजी है, पहले करते हैं एक फिज का कंपैरिजन। ये तो काफी फिजी है, ये थोड़ा कम फिजी है कंपैरेटिवली। सो ये है हमारा जयंती जलजीरा जो कि नॉर्मल वाला है। इसको स्मेल करते हैं पहले। हाँ, वही चटपटे मसालेदार जैसी इसकी फ्रेग्रेंस है, जीरे वाला थोड़ा सा इसमें वो पंच है। टेस्ट करते हैं इसको जल्दी से। स्वीट इमीडिएटली बहुत स्वीट लगेगा आपको, जैसे कि शुगर जैसा सिरप है, बट कोई वैसी स्मेल नहीं है जो शुगर सिरप में आती है। मसालेदार है, पंची है, जो फ्लेवर है वो काफी ज्यादा अच्छा है, पर ज्यादा देर तक स्टे नहीं करता क्योंकि काफी थिक नहीं है, बहुत लाइट सा ड्रिंक है इन रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी। और जो लिक्विड है वो काफी ज्यादा पतला ही है, कुछ ऐसा स्लरी जैसा नहीं है, और जो फ्लेवर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट बहुत देर तक आपके पैलेट पे रहता नहीं है। अब ये है कुछ स्पेशल जिसके लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि बंटा जीरा। तो जैसे कि कंचे वाली बॉटल आती है जिसे बंटा कहते हैं, अब इन्होंने बंटा लिखा है तो वो थोड़ी लेमनी होती है। लेट्स सी क्या ये लेमनी है या नहीं। जो फ्रेग्रेंस है इसकी वो बहुत ही ज्यादा आप आराम से पता कर लेंगे कि हाँ बहुत लेमन है, मतलब ऐसा फ्रेग्रेंस है कि जैसे इसका मसालेदार है उसमें लेमन का बहुत अच्छा यूज किया हुआ है, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है लेमन का। टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, जो लाइम का फ्लेवर है, सही बताऊं तो बेसिकली इन्होंने अभी फर्स्ट सिप में मुझे ऐसे लगा कि इस वाले में लाइम ऐड कर दिया है और एक नया प्रोडक्ट निकाल दिया है, और ज्यादा मुझे कोई डिफरेंस लगा नहीं। इसको साइड बाय साइड रिव्यू करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। नॉर्मल जलजीरा जो स्टैंडर्ड है क्लासिक, मसालेदार है, चटपटा है, स्पाइसी सा है, लेमनी है,
कम मसालेदार है, बट नींबू का जो फ्लेवर है वो काफी ज्यादा है। और एक चीज मैंने और देखी कि शुगर कंटेंट इस वाले में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 98 KCL की एनर्जी लिखी हुई है, जो कि इस पैक में कंटेन करते हैं, मतलब 200 ml में 98 KCL है, और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 74 KCL है, तो दैट मीन जो शुगर कंटेंट है वो इसमें ज्यादा है, ये थोड़ा सा ज्यादा आपको शुगर वाली एनर्जी देगा। बट मुझे कोई ज्यादा ऐसा डिफरेंस लगा नहीं, बस ये है कि इसी फ्लेवर में थोड़ा सा चटपटा कम करके, और मैं कहूँगा शायद चटपटा भी कम नहीं करा होगा, नींबू का फ्लेवर बढ़ा दिया है, इस वजह से वो थोड़ा सा चटपटा कम या लाइट सा लाइट लग रहा है। कलर में डिफरेंस है, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे सबसे फेवरेट कौन सा है लगा, इन दो में सबसे बेस्ट कौन सा लगा, तो मैं आपको कहूँगा कि ये वाला सबसे बेस्ट है। जो क्लासिक जलजीरा है वो आज भी लेजेंड है, बहुत अच्छा है। कंपैरेटिवली नहीं है अच्छा, बट इंडिविजुअली देखा जाए तो ये भी ठीक है, जिसको थोड़ा सा लेमन फ्लेवर या उस टाइप का वट्टा टाइप का कुछ पसंद है पीने में, तो दे कैन ट्राई डेफिनेटली दिस वन, बट मेरे लिए अभी भी क्लासिक जलजीरा ही दी बेस्ट रहेगा। तो चलिए देते हैं इसको एक फूड रिपोर्ट। सो आउट ऑफ 5 द क्लासिक जलजीरा विल गेट 4.5। मैंने अभी तक ऐसा पैक जलजीरा नहीं पिया है, बहुत अमेजिंग है, बहुत ही पंची टेस्ट है, और इस वाले को मैं देना चाहूंगा 3 out of 5, क्योंकि कुछ नया अगर जयंती ट्राई कर रही थी तो उसका फ्लेवर भी उनको बिल्कुल अलग करना चाहिए था। उन्होंने अपने ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जैसा ही फ्लेवर रखा है, तो कुछ खास ज्यादा डिफरेंस है नहीं कि बंदा ये ना नहीं मिले तो ये ले सकता है, ऐसा नहीं है कि ये भी है और ये भी है तो स्पेशली इस नए प्रोडक्ट पे जाएगा। तो उस हिसाब से मेरे लिए तो विनर है नॉर्मल जलजीरा। बाकी अगर आपने ये वाला ट्राई करा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसा लगा, या ऐसा कोई कंपटीटर है जो इस टाइप का ही प्रोडक्ट बनाता है या मार्केट में है, और मुझे ये भी जरूर बताएं जो ये वाला जलजीरा है इसके जैसा और कौन सा जलजीरा, क्योंकि मैंने बहुत सारे जलजीरे ट्राई करे हैं जो पैकिंग में आते हैं, पैक में आते हैं, बट मुझे सबसे बेस्ट यही लगा। आपको क्या लगता है कि इसके कंपैरिजन में कौन सा जलजीरा बहुत अच्छा है मार्केट में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी कोई अगर ड्रिंक है जो आपको लगता है कि पंची और स्पाइसी है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो फॉर दिस वीडियो गाइस, दिस इज द थिंग, दिस इज द क्विक कंपैरिजन बिटवीन ये जो दो नए प्रोडक्ट आए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको सबसे बढ़िया कौन सा लगा। टिल देन गाइस, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि और ऐसे क्या है प्रोडक्ट जो मैं जल्दी से आपके लिए रिव्यू करूं। और बहुत जल्दी आने वाली है लिकर की धर बहुत सारी वीडियोस, मैंने बहुत सारा कनेक्शन इंक्लूड किया है, अभी ऐड किया है, उनकी वीडियोस जल्दी ही आपके लिए आने वाली है। टिल देन गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।